उस्मान गनी और आप देख रहे हैं सियासी किंग यूट्यूब चैनल। नाजिन आज बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं सीधा नेशनल टॉपिक्स पर। नाजिन नेशनल टॉपिक हम बहुत ही अहम टॉपिक पर ले जाते हैं मरियम नवाज की दादी और नवाज शुभ शुभाष साहब की वालदा बेगम शमीम पर साहिबा की जो नमाज जाने में दाखिल उसको भी डिस्कशन करेंगे और जो कासिम नमाज जाने दाखिल उसको भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे पीडीएम के 30 नवंबर को होने वाले जलसे के ऊपर भी कि जो वहाँ पे मुल्तान में जलसा होने जा रहा है उसमें क्या हालात वाकयात होंगे उसमें क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी और जिसकी वजह से ये कहेंगे कितने लोग जो है वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं। और दूसरा ये कि मूसा गिलानी का क्या रोल है सारे मामले में और मूसा गिलानी जो है वो मुसलसल कानून की खिलाफवर्जी क्यों कर रहे हैं। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो दादी साहब तो उस वक्त साइड पर पहुँच गए हैं लेकिन अब कहा जा रहा है इसे क्लेम किया जा रहा है कि शायद आसफा भुट्टो दादी साहब जो हैं वो शायद खिताब करेंगी पीडीएम के मुल्तान जलसे में और शिरकत करेंगे और खिताब करेंगी। तो इस वाले से देखेंगे कि नई डेवलपमेंट में क्या नई चेंजेस आती हैं और दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है सॉरी उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो हालात जो हैं वो किस हो जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो क्या इस वाले से एक्शन ले रही है और किसे क्या आगे वो कर सकती है इस वाले भी डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ जो हम नेशनल पर डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव क्या वाकई बढ़ रहा है इस तरीके वाले से क्या पाकिस्तान वाकई जो है वो कोई ऐसा यानी कि प्रेशर वो है जो अभी तक बर्दाश्त कर रहा है। तो उस वाले डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं और ऐसे क्या मामला हैं जो जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भरपूर प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है। तो इस वाले डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद हम जो इंटरनेशनल प्रश्न वो बहुत ही अहम है आज के वाले से। तो उसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे जो अमेरिका की नई मूव्स हैं उस वक्त मिडिल ईस्ट में वो उस वाले डिस्कस करेंगे। अमेरिका अपने बहरी बेड़े इसके अलावा जो अपनी दीगर जो जहाज़ हैं बी टू बम्बर तैयारे जो हैं इसके अलावा जो दीगर साजो सामान जो है वो क्यों मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करा है तेज़ी के साथ क्यों उसने इसराइल की आर्मी को कहा है कि वो हाई अलर्ट पर चली जाए और इसके अलावा उसने क्यों ये खुफिया मुलाकातें जो हैं वहाँ पर हुई हैं सऊदी अरब में। और दूसरा ये कि ये जो ईरान में जो रिसेंट वाकया हुआ है उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मोहसिन फखरीज़ादे साहब का तो उस वाले डिस्कशन उसमें क्या इसराइल को इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है और क्या अमेरिका का इसमें रोल है। तो उस वाले डिस्कशन करेंगे और इसका हम ये देखेंगे कि अमेरिका ने या सीआईए ने इसके हवाले से अपना स्टेटमेंट क्या दिया है उसके ऊपर क्या बयान दिए हैं। तो ये भी सब हम पूरे सुनाइए में इसको इसके खाता करेंगे। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल को भी आप नज़र रखेंगे कि उसमें आने वाले हालात में क्या होने वाला है और जो अमेरिका ने अपने ड्रोन जो हैं जदीद ड्रोन जो है वो इंडिया क्यों लीज पे दे दिए हैं और वो इंडिया किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो इसराइल ने अपने लेटेस्ट ड्रोन दिए हैं इंडिया को तो वो भी देखेंगे कि वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे और उनके क्या अजाइम हैं। तो इस सारे को मामले को भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक से बहुत सारे बात करेंगे मरियम नवाज की दादी और नवाशिफ की वालदा बेगम अख्तर साहिबा की वफात के ऊपर क्योंकि जो नमाज नाज थी वो अदा करने लगे की जानी थी लंदन में। सबसे पहले नमाज नाज थी वो लंदन में अदा की गई रेजेंट पार्क मस्जिद थी वहाँ पर नमाज नाज अदा की गई बेगम शमी अख्तर साहिबा की और वहाँ पर मुस्लिम उनके तमाम जो थे जो लंदन में मुकीम किया था वो तमाम अफराद ने शिरकत की वहाँ पे नवाज जनाजे में और वहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम कहते हैं कि वहाँ पे 30 अफराद ने शिरकत की थी क्योंकि 30 अफराद अलाउड थे नवाज जनाजे में जो कि शिरकत कर सकते थे। उसमें नवाज शिव थे सालदा थे और दीगर मुस्लिम उनके जो रहनुमा थे वो मौजूद थे उसके फैमिली के अरकान मौजूद थे वहाँ पर जिन्होंने नवाज जनाजा अदा की। तो उसके बाद जो मैयत थी उसको पार्सल में पैक करवा के जो थे वहाँ पे उसको हीथरो एयरपोर्ट पर ले जाया गया हीथरो एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ भी गए तो वहाँ पे लेकिन वो कहते हैं कि अगर उनमें इतनी कर्ज होती तो पाकिस्तान जरूर आते पाकिस्तान में आके अपनी वालदा को पाकिस्तान में आकर कंधा देते और उनकी और पाकिस्तान में उनकी तस्वीर में शामिल होते हैं। तो ये वो कहते हैं कि शायद दौलत इसी चीज़ का नाम है कि वो तमाम रिश्ते नातों और तमाम जो हैं अखलाकियत को साइड पे कर देती है और वो ख़त्म कर देती है आपके अंदर से वो तमाम हिस्से हैं जो कि एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी होती हैं तो एक यानी कि नॉर्मल इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। तो कहते हैं ना कि दौलत जो है तो इंसान को अंधा कर देती है वो दौलत के लालच में या पैसे की पूजा में जो है इंसान जो है इतना गफल हो जाता है कि शायद वो अपने प्यारों को भी खो देता है और अपने प्यारों के वजूद भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। तो बहरहाल हम किस टॉपिक पर चले गए ये एक अलग टॉपिक है उनके फैमिली मैटर। तो अभी उसके बाद जो लाश जो मैयत थी बेगम शमी अख्तर साहब की वो फिर तौर पर जब रवाना की गई पाकिस्तान रवाना चाहिए तो फिर नवाज शरीफ साहब की हमशिया जो थी वो उसके साथ जो थी मैयत साथ जो थी वो
پاکستان جو تھی وہ تشریف لائیں اور میں جو تھی صبح سویا جو تھی وہ پاکستان شباشی صاحب نے وصول کی یعنی کہ ان کو وصول کیا ایئرپورٹ پہ اور جا کے پھر ان کا تدفین جو تھی دوپہر دو تین بجے کے جو تھی ان کی نماز جنازہ جو تھی وہ پھر ادا کی گئی اور جاتی سوری شریف میڈیکل سٹی میں کمپلیکس میں اور وہاں پہ ایک عوام کی بڑی تعداد شرکت کی جبکہ شریف فیملی کے بیمار جو تھے ان کے لیے علیحدہ زون بنایا گیا تھا جہاں پہ وہ ادا کرتا تھا عوام کے لیے علیحدہ زون تھا جہاں پہ وہ ادا کرتا تھا یعنی کہ وہاں پہ بھی آپ کو یہ تخلیق جو تھی نظر آئی لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی اور شمیم مختار صاحب کی آخری رسومات میں جو تھی ادا کی وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ان کو شرکت کی اس کا مغرب نے اس میں شرکت کی تو یہ اب اس حوالے سے اگر ہم فردوش آصف خوان صاحب کا جو بیان تھا کل کا بیان تھا وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت ہی اہم بیان تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ بیگم شمیم مختار صاحبہ کی وفات جو ہے وہ شریف فیملی کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اب جو ہے وہ شاید شریف فیملی کو متحد رکھنے والا بندہ جو ہے اس میں اب کوئی نہیں موجود تو وہ کہتے ہیں کہ اب شاید جو خلافت کی سیاست ہے مسلم میں شاید وہ اس میں مزید شدت آ جائے یا اس میں مزید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں آگے جا کے مزید تلخیاں شریف خان میں پیدا ہو جائیں اور آگے مزید اختلافات جو ہیں وہ مزید گہرے ہو جائیں تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا باقی ہے تو اس والے سے ہم دیکھیں گے اب ڈسکشن کریں گے پی ڈی ایم میں ہونے والا جلسہ پی ڈی ایم کا ملتان ہونے والا جلسہ تو اس میں ہوا کچھ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہر حال میں ہر صورت میں جو ہے ملتان میں یعنی کہ قاسم باغ جو گراؤنڈ ہے اس میں ہم ہر حال میں جلسہ کریں گے اور وہاں پہ عوام کو جمع جو ہے وہ جلسے میں شرکت کے اس والے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاور صاحب نے اس وقت یوسف گرانی صاحب کو ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں جو فریڈم جلسے کا انکار جو ہے وہ یقینی بنائے قاسم باغ میں ملتان میں تو حالانکہ بلاور صاحب جو ہیں وہ خود کرونا کا شکار ہو چکے ہیں لیکن اس والے سے وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں کرونا کا شکار ہو گیا ہوں تو عوام کی اس سے محفوظ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کو بھی اس میں مطلع کیا جائے تو اس والے سے انہیں پی ڈی ایم کے اپنے یوسف گرانی صاحب کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ وہ جا کے متحرک کریں وہاں پہ بھرپور شام تک جو ہے مقامی جلسہ جو ہے پی ڈی ایم کا منعقد کیا جائے تو اس والے سے یوسف گرانی جو ہے وہ ایسا مکمل طور پر ایکٹیو ہیں پرو ایکٹیو ہیں اور ان کے شاہد صاحبزادے جو ہیں موسیٰ علی گیلانی جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ قانون کی وائلیشنس کر رہے ہیں مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں پہلے انہوں نے وہ جو ظاہر نامہ تھا اس کو پھاڑا پھر اس کا وہ گرفتار ہوئے پھر جیل گئے پھر اس کے بعد انہوں نے آج جو صبح آج کیا وہ انہوں نے تالے توڑے اس کے جا کے سیل توڑی جا کے قاسم باغ کی وہاں پہ عوام کی جمع جو تھا وہ انٹر ہوا حالانکہ پولیس نے اس معاملے میں کوئی مزاحمت نہیں کی اور ظاہر مزاحمت کبھی نہیں سکتی تھی جتنی نفری تھی عوام کی جتنی تعداد تھی تو اس میں مزاحمت بنتا نہیں تھا تو اس سے تعلق پہ گیا اور جس نے کم خلاف یہ دوبارہ کی گئی مسلم لیگ نائن صاحب کی طرف سے پھر اس کا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی کارکنان بھیجے تھے وہ بھی قاسم باغ میں انٹر ہو گئے وہاں پہ اب جلسے کے انتظام جو شروع ہو چکے ہیں اور عوام کی بڑی تعداد موجود ہے وہاں پہ اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا جا رہا تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس کے اینڈ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں اس میں اس حوالے سے ایک اہم خبر جو تھی وہ یوسف گرانی صاحب نے بریک کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں پی ڈی ایم کے ملتان محلوہ جلسے میں جو کہ 30 نومبر کو ہونے جا رہا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آصف بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ پہلی دفعہ اس میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کریں گی اور وہ خطاب کریں گی عوام سے براہ راست تو یہ دیکھنے باقی ہے کہ بلاول کے بھٹو کے کرونا مبتلا ہونے کے بعد کیا آصف بھٹو یہ رسک لیتی ہیں اور کیا وہ جلسے میں شرکت کرتی ہیں اور کیا وہ عوام سے خطاب کرتی ہیں تو یہ دیکھنا باقی ہے اور اس وجہ سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ ملے نواز جو ہیں وہ بھی جلسے میں شرکت کرنی ہے تو وہ ابھی تک اس سے محفوظ کیسے ہیں حالانکہ جو بلو ہاؤس میں تصویر آئی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے میں ہمیں ایک خاتون تھیں اور ساتھ میں نواز تھیں تو جو ادھر دو والے سائڈ والے جو میں بلاور اور خود جو خاتون تھیں وہ دونوں کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں تو مری نوز کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے تو اگر تو مری نوز ہوتا تو اس بات کا بھی امکان رہتے ہیں کہ شاید وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو سکتی ہیں تو اس والے سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا سب بٹر زرداری صاحب جو ہے وہ یہ رسک لیتی ہیں اس میں جلسے میں شرکت کرنے کا اور کیا وہ اس جلسے میڈیم کھانے والا جو ہے رمضان میں جلسے میں خطاب کرتی ہیں اور کیا خطاب کرتی ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے اور کیا وہ اپنے جو اصل زرداری کی جو پالیسی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا اس کو کیا آگے کیری فارورڈ کرتی ہیں اور کیا وہ آگے بلاور بٹر کے اسی اصل مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیان کا آگے لے سکتی ہیں تو یہ دیکھنا باقی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں آگے پی ڈی ایم کا آگے فیوچر کیا ہوگا اور پی ڈی ایم کے آگے معاملہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے گورنمنٹ آف پنجاب جو اس میں وہ اس میں ایک ایکشن لینے جا رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم سخت ایکشن لیں گے پی ڈی ایم کے خلاف اگر اس نے کوئی کسی قسم کی بھی پبلک کے لیے پبلک گیدرنگ کرنے کی کوشش کی تو ابھی تک جو ہم نے اقدام دیکھے پنجاب گورنمنٹ کے اس وجہ سے گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ اس وجہ سے مکمل طور پر پروایکٹیو ہے اس میں مکمل طور پہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے جا رہی ہے اور ابھی تک اس نے وہ ایکٹ پرو ایکٹ جو رول ہے وہ پلے نہیں کیا اس میں جس کی پنجاب گورنمنٹ سے بھی توقع کی جاتی ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے ہر ممکن حد تک جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے اگر کسی قسم کے کوئی بھی اقدامات کیے گئے تو وہ شاید وہ کسی انتشار کا کسی آگے اور چیزوں کا باعث جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو
इन्हीं चीज़ों को आगे देखते हैं कि आगे पीडीएम जो है वो इस मामले को कैसे लेके चलती है। तो अब सीधा चलते हैं हम इंटरनेशनल चौकी से, तो इंटरनेशनल चौकी से हमारे बहुत ही अहम टॉपिक है, तो सबसे चलते हैं सीधा क्या कहते हैं एक मिनट, तो हम अगर इंटरनेशनल चौकी से हमारे बहुत ही अहम टॉपिक से चलते हैं हम जो अमेरिका की रिसेंट मूव से हैं मिडिल ईस्ट में, उसको जैसे क्योंकि अमेरिका जो है वो सब क्या करने जा रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी क्या प्लान्स हैं और उसने भी क्या आगे रिसेंट वाले में जो करने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये किया था कि अपने B2 बम्बर्स तैयार है, उसके अलावा अपने जो तमाम जो उसने साउथ चाइना सी में अपने बहरी बड़े जो तैनात किए गए थे उसको पूरी तरह मूव किया, वहाँ से शिफ्ट किया है और अब उसको मूव कर दिया उसने मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में उसने तमाम जो चीज़ें हैं वो तैनात कर दी हैं वहाँ पर, अगर बहरी बड़े तैनात कर दी हैं वहाँ पर अपने तमाम आर्मी को अलर्ट कर दिया है कि वहाँ पर जाकर वो जो है अपने पोजिशन जो है वो संभालें। इसके अलावा उसने इसके लिए आर्मी को भी कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर रहे और किसी भी किस्म के हालात के लिए तैयार रहे। तो ये इतना जो स्टेटमेंट्स ये क्यों दी गई और किस तरह अलर्ट क्यों जारी किया गया इसराइल को और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को। फिर उसके बाद जो माइक पॉम्पियो ने सीक्रेट दौरा, सीक्रेट तो नहीं वैसे ओपन दौरा था, तो उन्होंने जो दौरा किया उस वक्त सऊदी अरब का, तो इसमें क्या मामला तय हुए और उसमें क्या चीज़ें थी वो डिस्कशन हुई, वहाँ पर जो मोसाद चीफ थे मुबैन तो वो भी मौजूद थे कहते हैं, और उसके अलावा दूसरे चीफ थे वो भी वहाँ पर गए थे, तो क्या मामला जो थे वहाँ पर मुनद हुए और क्या मामला तय हुए और ये इसराइल को हाईलाइट क्यों किया गया और फिर बाकी मामला क्यों किया। और दूसरा अब जो है जो ऐनान में जो रिसेंटली वाक्य हुआ है जमील फखरी ज़ादे मोहसिन फखरी ज़ादे साहब का, जो कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनका दिन दहाड़े जो है वहाँ पर कत्ल किया गया, मर्डर किया गया, उनको शहीद किया गया और वहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि वो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि वहाँ पर अपने घर जा रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में उनको एक्सप्लोजन हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर मशीन गन से उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसके बाद उनके हालात जो थे वो मुकम्मल तौर पर जो थे वो ख़राब हो गए और क्या कहते हैं कि वो उनको हेलीकॉप्टर से रास्ता मुंतकिल किया गया, लेकिन वो हफ्ता जाते जाते वो जानबर ना हो सके और अपने खाल फिक्र से जान के। तो ये एक इंतहा अफसोसनाक वाक़ था ईरान के लिए और एक बड़ा ही यानी कि कीमती नुकसान था ईरान का, जिसका अजाला जो है मुमकिन नहीं है। और ईरान के सदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने ऐलान किया कि जो ये मोहसिन फखरीज़ादे साहब का जो कत्ल है या मर्डर जो है इसका बदला जो है जरूर लिया जाएगा और जो भी इसके कत्ल हैं जो भी इसके हैं उसको कैफे के तहत उनको पहुंचाया जाएगा। और अगर ऐसा मेरी नॉवेस है ऐसे उन्होंने कहा कि इसराइल के वाजह मुलविस उनके इनके वो मिले हैं, हमें निशान मिले हैं, तो अगर इसराइल वाकई इसमें मुलविस है तो इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इस वाले से इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और इस वाले से दीगर जो कुछ ममालिक हैं वो भी इस वक्त अपने खदशात का इजहार कर चुके हुए हैं इसराइल के साथ के आपकी वजह से हमारी सिक्योरिटी भी एट रिस्क है, तो आप जो है अपने आपने हमारी सिक्योरिटी को एट रिस्क डाल दिया है, तो अब हमारे लिए कोई ऐसा अगर हमारे से कोई वाक़ हुआ तो फिर यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंसिडेंट। तो अब देखना ये कि ये जो सूरत है मिडिल ईस्ट में ये जो अचानक से एकदम से 90 डिग्री का जो ये चेंज हो गया सूरत, तो अब ये किसी बड़े वाक्य को जन्म देती है और क्या इससे हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, और क्या ईरान जब कासिम सुलेमानी का मर्डर जब हुआ था तो क्या उसी तरह का कोई रिस्पॉन्स हो करता है या उससे बड़ा कोई रिस्पॉन्स हो करता है, क्या इस तरह वाकई ईरान जो है वो वाकई कोई बड़ा एग्रेशन शो करता है, तो ये देखना भी बाकी है कि जो कासिम सुलेमानी का जो बदला लेने का जलान किया था उसमें ईरान ने जो रॉकेट फायर किए थे US एम्बेसी पर इराक में, वो कहते हैं कि वो एक नॉमिनल किस्म का अटैक था, इनके बाय नाम अटैक था, लेकिन उस वक्त से प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दिया ईरान ने जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जाता। लेकिन अब ये जो जो मोहसिन फखरीज़ादे साहब का जो कत्ल है क्या इसका रिस्पॉन्स किस तरह का होता है ईरान का, ये थे बाकी है। उसके वजह से जो अमेरिकन CIA का जो स्टेटमेंट आया अभी रिसेंटली उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो मोहसिन फखरीज़ादे का जो कत्ल है ये एक इंतहाई मुजरमाना फेल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो अब देखना है कि अगर CIA ने इसको डिनाउंस किया है तो क्या वाकई CIA का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर मोसाद भी इसको कंडेम करती है तो क्या मोसाद का भी इसमें कोई रोल नहीं है, तो यही देखना भी बाकी है। क्योंकि ईरान ने तो अपना 100% जो है वो शक शो किया है, जो कहते हैं हमेशा का इसराइल के ऊपर कि इसराइल जो है वो बराह रास्त इस टारगेट लिंग में मुलविस है, इस चीज़ में मुलविस है, तो हम इसका बदला जो है वो ज़रूर लेंगे और इन मामलों को जो है वो हतमी अंजाम तक जरूर पहुँचाएँगे, और इनके जो भी सहूलतकार हैं वो जितने भी जो हैं वो जो मेन कल्प्रेट उनको भी सजा करा वाकई सजा जो है वो दी जाएगी।
तो इन वजह से देखा जाए तो ये हालात जो है वो अगर कहा गंभीर होते जा रहे हैं और ये हालात जो है आखिर आने वाले दिन में किसी हो जाते हैं तो ये देखना बाकी है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि एशिया में क्या इसमें अब सिचुएशन होने जाइए, तो एशिया में हालात जो है मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं। वो अब अमेरिका ने जदीद इन ड्रोन तैयार जो है वो उसको लीज पर दिए हैं इंडिया को, वो किस लिए दिए हैं कि जो अमेरिका ने लेटेस्ट ड्रोन दिए हैं इस वक्त इंडिया को, इन ड्रोन को देने का मकसद क्या है, जदीद इन ड्रोन देने का मकसद क्या, तो इसको अभी हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या लाज मतलब है, ये ड्रोन तैयार जो है वो किस मुल्क के खिलाफ जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये देखना बाकी है। और दूसरा ये कि इसराइल ने जो लेटेस्ट ड्रोन दिए हैं इंडिया को, तो वो भी देखेंगे कि वो ड्रोन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं और वो किन टारगेट्स को जो है वो हिट किया जा सकता है मुजरे तौर पर, तो ये देखना बाकी है। तो इस वक्त अमेरिका ने जो जदीद ड्रोन तैयार जो इस वक्त इंडिया को दिए हैं, तो वो ड्रोन तैयार दिए हैं वो जो ड्रोन हुए तो पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे वो किए जाएंगे चाइना के खिलाफ और चाइना के जो लद्दाख के ऊपर ये ड्रोन जो है वो यूज़ किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी की जंग है इसमें क्या चाइना जीता है या इंडिया जीता है, तो ये देखना बाकी है। क्योंकि इस सर्द मौसम में सख्त मौसम में जो है वो जंग जो है वो सख्त किस्म की एक्सपेक्ट की जा रही है इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान, और अगर कोई मार्का होता है इस टाइम का इस सर्द मौसम में सख्त मौसम में तो इसका फातिहा कौन होगा, तो ये देखना भी बाकी है। और इसके अलावा जो इंडिया को जो इसराइल ने ड्रोन फार्म किए हैं, ड्रोन जो है इसराइल ने इंडिया को फार्म किए, ये पाकिस्तान खिलाफ जो है ये ड्रोन जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किए जाएंगे और इनमें टारगेट जो है वो बेसिकली आज़ाद कश्मीर और अगले बस्तान में ये टारगेट जो है वो कर सकता है। और ये अपने ड्रोन से तैयार जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के जो पास अब ड्रोन तैयार जो हैं वो हैं बहुत ही अहम है। उसमें जो पाकिस्तान जो पास जो है ड्रोन तैयार है वो उस वक्त चाइनीज़ ड्रोन तैयार भी हैं और पाकिस्तान के अपने जो ड्रोन तैयार है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो अब देखने कि इन हालात में जो है मामला जो है किस वक्त जाते हैं और मामला जो है आखिर किस इसका अंजाम क्या होता है, तो ये देखना बड़ी बाकी है। तो देखते हैं कि ये अंजाम गुलिस्तान क्या होगा और इंडिया जो है क्या कोई बड़ी हरकत करता है, क्या वो सिर्फ चाइना के साथ ही मुहाजरे करता है या पाकिस्तान से मुहाजरे करता है या वो दोनों मुहाजों पे डायरेक्ट जो है वो कार्रवाई करता है, तो ये देखना भी बाकी है। और ये भी देखना बाकी है कि मिडिल ईस्ट में जो है अमेरिका और ईरान या इसराइल और ईरान जो है कोई आपस में बड़ी मिडभेड़ हो सकती है और क्या कोई बड़ी जंग जो है वो उसका ख़तरा जो है मंडरा रहा है और क्या आगे मामला जो है वो बड़ी जंगों की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखना भी बाकी है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन अफवाह से महफूज रखें, इन जंगों से महफूज रखें और इन चीज़ों से महफूज रखें और तला हमारे मुल्क से अपने कलम फजल और रहम रखे और हमारे मुल्क अपना हमारे अपने जमान रखे। और अगर आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इसी हमें इसी दुआ के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।